हम आज एक ऐसा वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जिसमें सबों को इसकी ज़रूरत होगी। इसमें एक बल्ब जलेगा जिसमें किसी प्रकार का कोई इन्वर्टर कोई यूपीएस की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किट डायग्राम आपको इस प्रकार से है और इसी सर्किट या डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करके दिखाया जा रहा है। इसमें जो भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा इसमें एक बल्ब है होल्डर के साथ, एक टू वे स्विच है और एक कनेक्टर टू पिन स्विच है जिसके द्वारा हम कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। एक बल्ब का कनेक्शन और एक स्विच का कनेक्शन दोनों का हम लोग साथ में दिए और इसके बाद एक कनेक्शन हम लोग बल्ब का बीच वाले से दिए और एक कनेक्शन हम लोग स्विच में दिए। इसमें हमेशा याद रखेंगे कि जो एसी का हम लोग स्विच देंगे वो दोनों किनारे किनारे देंगे और एक कॉमन देंगे जो बल्ब के साथ होगा। अब इसमें देखते हैं कि जब हम लाइन देते हैं तो बल्ब जल जाएगा, ये लाइन देते हैं तो बल्ब जल गया, ये एसी लैंप से बल्ब जला। लेकिन जैसे ही लाइन कटता है, जैसे ही लाइन कटा, मान लीजिए लाइन कट गया, अब इसको हम लोग स्विच को ऑपरेट करके हम इस बल्ब को जला लिए। इस प्रकार हमेशा ये बल्ब आपको जलते हुए नजर आएगा जिसमें हम लोग यूपीएस हम लोग नहीं चाहिए, इन्वर्टर नहीं चाहिए, बल्ब जलेगा। जब लाइन आएगा तो लाइन से जलेगा, दूसरा लाइन कटेगा तो इससे जलेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि और भी वीडियो इसका साथ इसी का ऑटोमेटिक के द्वारा देंगे, क्योंकि जब लाइन कटेगा तो अपने आप बल्ब जल जाएगा। धन्यवाद।